सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं वापस आ गया हूं चैनल पर तुम्हारे एक नई वीडियो लेकर, और हमारे आज की वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूं टॉप 5 टॉलेस्ट कैरेक्टर इन पोकेमॉन। तो इसमें मैंने गेम्स और एनिमे दोनों इंक्लूड किया है। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पोकेमॉन पिछले 20 सालों से चला आ रहा है, और इन 20 सालों में पोकेमॉन के कई ज्यादा गेम्स भी निकल गए हैं और कई सारे एपिसोड्स भी निकले हैं। और इन एपिसोड्स में हमने काफी ज्यादा टॉल कैरेक्टर्स को भी देखा है और गेम्स में भी देखा है। तो गाइस, इसी पे आज की मेरी बेस्ड है लिस्ट। सो गाइस, चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। जो कैरेक्टर आता है नंबर 5 पर, वो है वुल्फ्रिक। तो वुल्फ्रिक हमको पोकेमॉन एक्स वाई जेड में दिखाया गया था, और वुल्फ्रिक कैलोस रीजन के 8th जिम का लीडर भी है, जो कि स्नोबेल सिटी में है। तो वुल्फ्रिक गाइस काफी टॉल कैरेक्टर है, इस वजह से मैंने इसको नंबर 5 पर रखा है, क्योंकि गाइस ये काफी ज्यादा टॉल है। तुम यार इसकी ये फोटो देख सकते हो, जो अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा रहता है। तुम यार देख सकते हो कितना ज्यादा टॉल दिख रहा है इसमें भी। और इसी के साथ यार तुम इसकी हाइट एश के साथ कंपेयर करके भी देख सकते हो। और अगर मैं तुमको बताऊँ इसकी हाइट कितनी है, तो गाइस ऐसा कुछ यार गूगल पे तो दिया नहीं है, या किधर भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि एग्जैक्ट इसकी हाइट है कितनी। बट अगर मैं अपने आप से निकालने की कोशिश करूँ इसकी हाइट, तो आई थिंक वो हो सकती है कुछ 6.7 या 6.8 फीट। क्योंकि देखो यार, हमको यार ग्रेनिंजा दिख रहा है और ऐश दिख रहा है। तुमको यार ऐश बिल्कुल ग्रेनिंजा की हाइट का ही लग रहा होगा, और ग्रेनिंजा की हाइट है 4.11। मतलब यार ऐश की भी हाइट 4.11 हुई, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये दोनों एकदम सेम हाइट के दिख रहे हैं यहाँ पर। और यार 4.11 ऐश की हाइट है, तो यार ये जो वुल्फ्रिक है ये ऐश से भी काफ़ी ज़्यादा टॉल लग रहा है। तो हम यार समझ सकते हैं इसकी हाइट पक्का 6.7 या 6.8 या फिर 6.5 ऐसा कुछ हो सकती है इसकी हाइट, अगर हम लोग अपने से ढूंढने की कोशिश करें। और तुम इसका हाथ ही देख सकते हो यार कितना ज़्यादा बड़ा है। तुम देख सकते हो यार अभी जब ऐश को बैच दे रहा है, तो इसका हाथ कितना बड़ा लग रहा है। और तुम ऐश का हाथ देखो उसके सामने कितना छोटा है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा टॉल है, इस वजह से मैंने इसको नंबर 5 पर रखा। और इसी के साथ नंबर 5 के लिए हमारे पास एक और कैरेक्टर है, जो कि यार वुल्फ्रिक के साथ अपना टाई कर सकता है, दोनों नंबर 5 पर रह सकते हैं। और वो कैरेक्टर है विरेडियन जिम के गार्ड्स। तुम यार ये फोटो देखो, दोनों यार कितने लंबे लग रहे हैं। तुम ये गार्ड्स देखो, दोनों के दोनों गार्ड्स को देखो कितने ज़्यादा लंबे लग रहे हैं यार ये। और ऐश के यार सब दोस्तों से देखो, मतलब तीनों से देखो यार कितने ज़्यादा लंबे लग रहे हैं। तो बस इसके बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको नंबर 5 पर नहीं रखा। और वुल्फ्रिक की थोड़ी बहुत अच्छी खासी जानकारी थी, तो मैंने उसको नंबर 5 पर रख दिया। बट इसको भी यार हम नंबर 5 पर रख सकते हैं उसी के साथ। तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते नंबर 4 की तरफ। जो कैरेक्टर आता है नंबर 4 पर, वो है ब्रूनो। तो ब्रूनो को सबसे पहले हमको दिखाया गया था सीजन 1 के एक एपिसोड में, जिसका नाम था टू मास्टर द अनएक्सपेक्टेड। उस एपिसोड में वो एक पहाड़ी पर रहता था, और ऐश अपने दोस्तों के साथ जाता था उस पहाड़ी पर, ताकि वो ब्रूनो से कुछ अच्छी स्किल्स सीख सके और उसको ट्रेनिंग में मदद मिल जाए, ताकि वो पोकेमॉन लीग में अच्छा कर सके। तो इसलिए वो वहाँ जाता था। और इसी के साथ तुमको पता होगा कि ब्रूनो एक एलीट 4 मेंबर भी है। तो यार फिर जैसे ही वो वहाँ जाता है, तब हमको दिखता है इतना टॉल ब्रूनो। तो यार तुम इस फोटो में देखो कितना ज़्यादा टॉल है, और बहुत लंबा है सच्ची में ब्रूनो। और मैंने इसकी यार थोड़ी हाइट निकालने की कोशिश करी, क्योंकि यार इसकी किधर दे तो नहीं रखी इन्फॉर्मेशन वगैरह में, बल्ब पीडीएफ वगैरह पे इसकी हाइट नहीं दे रखी। बट मैंने यार एक तरीके की इसकी हाइट निकाली। तो इस एपिसोड में यार ये एक सैंड स्लैश को पकड़ता है अपने हाथ में, जो देख सकते हो यार इसने अपनी गोद में एक सैंड स्लैश को लिया हुआ है। और यार वो देखो तुम इसके पेट तक आ पा रहा है, तो इसके पेट तक आ रहा है, और सैंड स्लैश होता है 3.3 फीट का। तो मतलब इसके पेट, इस मुंह से लेके पेट तक ये 3.3 फीट है इसकी हाइट ब्रूनो की। और अगर हम फिर उसके पैर का लगाएं हाइट, तो आई थिंक वो कुछ होगी 3.5। तो अगर हम इसको टोटल कर दें तो वो होता है 6.8 फीट। तो यानी कि यार ब्रूनो 6.8 फीट टॉल है, और यार काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और इन फोटोज़ में तुम सब देख सकते हो कि ऐश से और ब्रॉक और मिस्टी सबसे कितना ज़्यादा लंबा है। तो यार यही सब सोच के मैंने इसको नंबर 4 पर रखा था, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा टॉल है ब्रूनो। तो अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो जो कैरेक्टर आता है नंबर 3 पर, वो है लाइसेंड्रे। तो लाइसेंड्रे को हमने सबसे पहली बार देखा था कैलोस रीजन में, और लाइसेंड्रे कैलोस रीजन की ईविल टीम टीम फ्लेयर का लीडर भी है। सो गाइस, लाइसेंड्रे जो है वो भी बहुत ज़्यादा टॉल है, इसी वजह से वो हमारी लिस्ट में आया है। तुम देख सकते हो यार वो कितना ज़्यादा टॉल है। और मैं बताऊँ इसकी हाइट कितनी है, तो वो गाइस यार एक खुशखबरी है कि मेरे को इसकी हाइट निकालनी नहीं पड़ेगी खुद से, क्योंकि गूगल में भर भर के इसकी हाइट दे रखी है, और इसकी हाइट है 7.2। और इस फोटो में देखो यार ये खड़ा है स्टीवन के साथ, जो कि इतना टॉल है यार, हमने देखा है कितना ज़्यादा लंबा है स्टीवन, उसके साथ खड़ा है। और यार देखो लाइसेंड्रे कितना ज़्यादा लंबा लग रहा है उसके सामने, और स्टीवन की हाइट है 5.10 और इसकी है 7.2। तो यार तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा लंबा है लाइसेंड्रे। और यार इसकी कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ यार मैं तुमको ऐश के साथ, कि ऐश से कितना ज़्यादा लंबा है। और यार देखो इसकी इतनी सारी फोटोज़ तुमको दिखा रहा हूँ मैं, कितना ज़्यादा टॉल है। और यार इतना ज़्यादा लंबा होने की वजह से हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पर जगह बना पाया है। और गाइस 7.2 हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुमको यार नहीं पता कि 7.2 हाइट कितनी है, तो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि यार जो अपनी हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है
हमारे इंडिया का, जिसका नाम है खली, उसकी हाइट है 7.1। और यार तुम सबको पता है खली कितना ज़्यादा लंबा है, उसकी हाइट 7.1 है, तो तुम सोच सकते हो लाइसेंडर 7.2, उससे भी एक इंच लंबा। तो अब तुमको पता चल गया होगा कि लाइसेंडर कितना ज़्यादा लंबा है, और इसी वजह से हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आया है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। जो कैरेक्टर आता है नंबर 2 पर, वो है ल्यूटिनेंट सर्ज। तो ल्यूटिनेंट सर्ज को हमको सबसे पहली बार सीजन 1 के एपिसोड 14 में, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन, उसमें हमको सबसे पहली बार ल्यूटिनेंट सर्ज को इंट्रोड्यूस कराया गया था। और ल्यूटिनेंट सर्ज कैंटो रीजन के थर्ड जिम यानी कि वर्मिलियन जिम का जिम लीडर भी है, और काफ़ी पावरफुल जिम लीडर है ये। और यार ये काफ़ी ज़्यादा टॉल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसी वजह से हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आया है। क्योंकि यार तुम देख सकते हो, ये देखो यार इसकी फ़ोटो, कि यार हम लोग कितने पिकाचू को, मतलब कितने पिकाचू अगर एक के ऊपर एक खड़े हो गए तब जाके वो ल्यूटिनेंट सर्ज की हाइट पर पहुंच पाएंगे। तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुम देख सकते हो यार 7 पिकाचू जब एक के ऊपर एक खड़े हो गए, जब जाके वो ल्यूटिनेंट सर्ज की हाइट पर पहुंच पाए हैं। और ल्यूटिनेंट सर्ज की हाइट है 8 फीट। यार 8 फीट, समझ रहे हो कितनी ज़्यादा हाइट होती है 8 फीट। और यार अगर हम देखो यार, तुम ऐश से देखो इसका हाइट कंपैरिजन, देखो कितना ज़्यादा छोटा है ऐश इसके सामने, और उसके सारे दोस्त भी जैसे ब्रॉक और मिस्टी, तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा छोटे लग रहे हैं इसके सामने। और यार ये काफ़ी ज़्यादा टॉल है, इस वजह से कई पोकेमोन के साथ इसकी कंपैरिजन की जाती है, जैसे कि यार ये देखो टायरेंटार के साथ की गई है, और टायरेंटार भी यार इसके सामने छोटा लग रहा है, और टायरेंटार की हाइट जबकि 6.7 फीट है। और यार ये देखो ये वाली फोटो, इसमें ड्रैगनाइट के साथ की गई है हाइट कंपैरिजन, और यार ड्रैगनाइट की हाइट है 7.3 फीट। तो यार इससे हमें यही पता चलता है कि ल्यूटिनेंट सर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल है, और यार टॉल है इसी वजह से हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आ सका है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो जो कैरेक्टर आता है नंबर 1 पर, वो है एजी। तो एजी को हमसे सबसे पहली बार दिखाया गया था कैलोसिजन के गेम में, जिसका नाम है पोकेमॉन एक्स और पोकेमॉन वाई में। और यार ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर जैसा है कुछ तो पोकेमॉन एक्स एंड वाई में, मतलब कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। और यार इससे हम बैटल भी करते हैं, एकदम एंड में करते हैं हम इससे एक बार बैटल पोकेमॉन एक्स और पोकेमॉन वाई दोनों में ही। और यार ये आज तक का सबसे टॉलेस्ट कैरेक्टर है, सबसे लंबा कैरेक्टर है पोकेमॉन में, और इसकी हाइट जान के तुम चौंक जाओगे, वो है 9.3 फीट। और यार पोकेमॉन के इस गेम में हमको इसकी एज भी बताई जाती है, जो कि है 3000 ईयर्स। तो यार पता नहीं है इतने साल से कैसे तो जी रहा है, अब वो तो यार हमको नहीं पता, और हमको उससे लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है टॉलेस्ट कैरेक्टर, हमको तो बस उससे लेना देना है। तो यार ये आता है नंबर 1 पर। तो यार यही थी हमारी आज की लिस्ट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।